इन्होंने ही किया, इन्होंने ही क्रिएट किया है जो कावाला का लुक था, जो हमने सॉन्ग शूट किया, इन्होंने ही हेयर मेकअप किया है। एंड मैं इनके साथ बहुत सालों से काम कर रही हूँ। ये बेशक फ्रेंच है लेकिन मुझसे कहीं ज़्यादा इंडियन है ये। मुझसे नहीं, आप सबको मिला के वो हम सबको एक तरफा रख के ये उन हमसे ज़्यादा इंडियन है। और ये यहाँ पर इतना घुल मिल गए और इतने बड़े पर्सन है मेरे करियर में, जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारे लुक्स किए हैं, बहुत अलग अलग बनाए। शॉर्ट फॉर लास्ट स्टोरीज का भी लुक इन्होंने डिज़ाइन किया था। एंड बहुत ही मल्टी फैसेटेड इंसान है, मेकअप हेयर करते हैं, फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, और आज उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सैलॉन खोला है, जो आई थिंक डेफिनेटली उनके एक एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत होगी इन अ वे दैट बहुत ही बड़ा हो और बहुत सारे लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकें। और मैं रुकी हूँ अंदर जाके देखने के लिए, बिकॉज़ आई विल गेट टू सी उन्होंने कितना खूबसूरत सा एक सैलॉन बनाया है। और वालकेश्वर में है, यहाँ पर आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू कम। एंड ये जो भी करते हैं बहुत मैजिकल करते हैं, खूबसूरत बना देते हैं। थैंक यू गाइस। सो या सो थैंक यू फ्लो फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लुक सो वंडरफुल। थैंक यू फॉर ड्रेसिंग मी ऑल द टाइम। आई हैव नो, आई मीन बाय देयर इज नो अदर वे, आई वुड डू इट एवरी टाइम। आई थिंक वी हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड टुगेदर। वी हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया, वी हैव बीन टू फ्रांस, we did Cannes festival, yeah, or we did Cannes together, we went to Switzerland, yeah, shooting one of your latest song, yeah, we did Kavala, which is super hit, yeah, and I think we'll do way more, yeah, it's only the beginning, for sure, it's only the beginning, 100%. देखो, I have this little edge क्योंकि इनका सालों है, तो फिर मुझे मतलब बहुत ही मतलब रॉयल ट्रीटमेंट मिलने वाली है, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि मुझे बस फोन करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ये करना है, वो करना है, तो मुझे जब भी अपने आप को पैम्पर करना, मैं यहाँ आ जाऊंगी। थैंक यू। बेस्ट मोमेंट विल बी ऑलवेज कैन फेस्टिवल, या ऑलवेज कैन टुगेदर। आई थिंक आई वाज इन टीयर्स व्हेन शी वॉक्ड द कारपेट एंड हाउ प्राउड आई वाज ऑफ हर बीइंग देयर एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन दिस international scale. So I think it's for me one of the best memory that I have, beside many more. Yeah. But this is the highlight of it. अच्छा, जब मैंने कावाला गाना शूट किया था, तो मैं ऑफ कोर्स यू नो व्हेन वी ऑल शूट, हम कोई भी काम करते हैं तो हम नॉर्मली उसके बारे में क्रिटिकल होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। yes. ये पहले इंसान थे जिन्होंने बोला था ये गाना ना बहुत लोगों को पसंद आने वाला है, क्या स्टेप्स yes. है, क्या क्या गाना है, उसने अच्छा आपको ऐसा लगता है, तो इन्होंने बहुत सहानुभूति दी और इन्होंने पहला इंसान जिसने कहा कि ये बहुत लोगों को पसंद आएगा। सो थैंक यू फ्लो, थैंक्स टू यू, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, ट्रस्टिंग मी। तमन्ना, आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ बोथ ऑफ यू पॉजिटिव एनर्जी? यू आर सो वाइब्रेंट एंड सो फ्रेश, एंड एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक वाइब ऑरा में दिख रही है इन स्पाइट ऑफ यू ट्रैवलिंग फ्रॉम एयरपोर्ट। या सो व्हाट इज द सीक्रेट? आई थिंक जो क्रिएटिव फील्ड होता है उसमें बहुत ज़रूरी है कि लोगों का क्रिएटिव माइंड्स कोलैबोरेट करना है ईगो के बगैर, और जब उस किस्म का कोलैबोरेशन होता है आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छा काम आता है। ऐसी बहुत सी टाइम्स हैं जहाँ पर हम साथ में बैठते हैं और मैं इनको पूरी आँख बंद करके ट्रस्ट करती हूँ, मैं पूछती भी नहीं है क्या करने वाले हैं, बिकॉज मुझे पता है कि ये जो मेरे लिए करेंगे, मेरे बेहतर के लिए करेंगे, मुझे अच्छा दिखाने के लिए करेंगे। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उनको बोल देती हूँ कि भाई मुझे ये करना है, एंड वो भी मुझे पूछते नहीं है। तो एक जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है दो क्रिएटिव इंसानों के बीच में, और एक जो ईगो के बगैर काम करना, और ये हर क्रिएटिव फील्ड में एप्लीकेबल है, ये हेयर मेकअप हो, ये फिल्म्स हो, ये कोई भी पीस ऑफ कॉन्टेंट हो। सो आई लव कोलैबोरेटिंग विद फ्लो, बिकॉज हम बस एक ही चीज़ सोचते हैं और वो है आखिरी रिजल्ट, एंड वो हमेशा अच्छा निकलता है बिकॉज हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। Thank you guys, thank you Tang, thank you so much. Thank you guys. Thank you so guys. Bye. Thank you. Ha, there's going to be more. Come Fatima, she's Fatima, yeah.